Infinix, हाँ दोस्तों, अगर आपको एक बहुत ही ऑसम स्मार्टफोन चाहिए, कि एक फ्लैगशिप टाइप का स्मार्टफोन चाहिए, वो भी वेरी गुड प्राइसिंग, तो आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन का नाम है Infinix Zero Ultra, और ये Infinix की तरफ से आने वाला दी ऑसम स्मार्टफोन है, क्योंकि इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन जिसमें आपको 180 वाट का चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये 180 वाट को सपोर्ट करता है, और ये जो स्मार्टफोन है ये इवन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, आई थिंक दिसंबर 20 में ही वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो बातें करते हैं Infinix Zero Ultra के बारे में। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, इट्स मी योर फ्रेंड कमलेश एंड यू आर वॉचिंग टेक मी मोर। तो पहले बातें करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, और इस स्मार्टफोन के डिब्बे में आपको हर चीज देखने को मिल जाता है, इवन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिल जाता है। और अगर इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें, आपको इसमें इसका मेन फोन देखने को मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाता है जिसको पढ़ के ज्ञानी बन सकते हो, एक्स क्लब कार्ड आता है, सिम इंजेक्टर टूल आता है, नॉर्मल सा टीपीयू केस आता है, इसमें आपको यूएसबी टाइप सी टू 3.5mm जैक आता है। हाँ दोस्तों, आपको इसमें 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा, जो धीरे धीरे हर स्मार्टफोन से विलुप्त हो रहा है। इसमें आपको टाइप सी वाला ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी टू एक केबल देखने को मिल जाता है, एंड 180 वॉट का चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाता है। डिजाइन, ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक कलर एंड एक व्हाइट कलर, और इसका जो व्हाइट कलर है उसमें आपको 3D टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही ऑसम लगता है, एंड इसका जो ब्लैक कलर है उसमें आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो स्मार्टफोन जो दो कलर ऑप्शन के साथ आते हैं वो इस स्मार्टफोन को एक प्रीमियम टच जरूर देते हैं, मतलब ये कहीं से भी एक थोड़ा चीप टाइप का स्मार्टफोन नहीं लगता, एक प्रीमियम लुक जरूर देता है ये स्मार्टफोन आपको। और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, आपको इसमें ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 3D टेक्सचर डिजाइन के साथ आता है। और अगर इसके फ्रेम्स के बारे में बात करें, इसका जो फ्रेम्स आता है वो नॉर्मली प्लास्टिक फ्रेम्स है। और अगर इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें, आपको इसमें इन टोटल हर पोर्ट्स एंड बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे एक्सेप्ट 3.5mm जैक। और इस स्मार्टफोन का जो वेट आता है वो अप्रॉक्स 2.11 ग्राम्स के करीब आता है। डिस्प्ले, इसका जो डिस्प्ले है Realme 10 Pro Plus का याद दिलाता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आई बटन सर इस तरफ है, देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली वहां पर चेकआउट भी कर सकते हो। और अगर बोलूं क्यों मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, या बोल सकते हो एक 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो है 6.8 इंचेस का 120 हर्ट्ज कर्व एमोलेड डिस्प्ले जो 900 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, और आजकल के जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो काम कर रहे हैं मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स धीरे धीरे अपने स्मार्टफोन्स को इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब बजट सीरीज में आपको कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस, अब बातें करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। और ये जो स्मार्टफोन है ये बेस्ड है MediaTek Dimensity 920, ये 6nm का 5G प्रोसेसर, और अगर इसके रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो है 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज के साथ, और आपको इसमें 5GB का वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको इसमें टोटल 13GB रैम देखने को मिल जाता है। और अगर इसके रैम टाइप के बारे में बात करें, आपको इसमें LPDDR5 रैम देखने को मिल जाता है, और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। और अगर इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो 920 प्रोसेसर है वो एक डिसेंट प्रोसेसर है, मतलब आपको इसमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है हाँ वो ठीक ठाक मिलने वाला है, मतलब आप मीडियम टू हाईएस्ट सेटिंग में इजीली खेल सकते हो। कैमरास, अब बातें करते हैं हमारे रेडमी स्मार्टफोन के बारे में, मतलब आपको इसमें रेडमी टाइप का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा वो रेडमी स्मार्टफोन वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी देखो ना यार, आपको वो आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली वहां पर चेकआउट भी कर सकते हो। और अगर इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, आपको इसके रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो मेन कैमरा है वो आता है 200 मेगापिक्सल का जो OIS के साथ आता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है, एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आता है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ये तो बेसिकली हो गया इसके कैमरा डिटेल्स। और अगर इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, आप इसके रेयर कैमरा से 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हो जो बेसिकली OIS के साथ आता है। कनेक्टिविटी, अगर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, ये जैसे कि एक 5G स्मार्टफोन है तो आपको इसमें 5G देखने को मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी देखने को मिल जाता है। और अगर इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करें, ये जो स्मार्टफोन है ये बेस्ड है XOS 12 के ऊपर जो बेस्ड है Android 12 के ऊपर। और अगर इसके सेंसर्स के बारे में बात करें,
आपको इसमें हर सेंसर देखने को मिल जाते हैं विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। बैटरी, अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, आपको इसमें 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है जो 180 वॉट चार्जिंग के साथ आता है। और इन्फिनिक्स क्लेम करता है आपका 0 से 100% विद इन 12 मिनट हो जाएगा। मल्टीमीडिया, अगर इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, आपको जैसे कि इसमें कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस रहने वाला है वो फुल ऑन ऑसम रहने वाला है। और अगर इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, आपको इसमें सेम एज स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जिसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है एंड लाउडनेस भी बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन टाइम। नाउ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर माय ओपिनियन अबाउट दिस इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन ये बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका जो प्राइस आता है वो अप्रोक्स $520 आता है, मतलब अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो अप्रॉक्स 43,000 के करीब आता है। बट दोस्तों, इसका जो प्राइस होने वाला है वो उतना भी नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस होने वाला है, जिस टाइप का स्पेसिफिकेशंस आता है वो अंडर 35,000 या 30,000 होने वाला है। और अगर वो अंडर 30,000 आए ये स्मार्टफोन, वो फुल ऑन मस्त होगा, क्योंकि आपको इसमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 180 वॉट का फास्ट चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाता है, इवन फोन भी सपोर्ट करता है। मतलब फुल ऑन क्रेजी होगा अगर इसका जो प्राइस है वो अंडर 30,000 हो। सो यही था ऑल अबाउट इन्फिनिक्स जीरो स्मार्टफोन। और एज यूजुअल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। हाँ दोस्तों, और आज का वीडियो बेसिकली यही पर खत्म होता है, और अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।